कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी और लंच में बनाने जा रही हूँ मैं आज उत्तराखंड की एक फेमस डिश गहत के डुबके। तो मैं बनाई रही थी, मैंने कहा चलो रेसिपी भी शेयर हो जाएगी साथ के साथ और मेरा ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। और तो मैं अब बना लेती हूँ, बच्चों के आने से पहले लंच रेडी करना है, तो बस मैं वही कर रही थी। तो थोड़े तो मैंने गहत पीस करके रख दिए हैं और थोड़े एक सिफ्ट में अब पीस रही हूँ। तो अब पहले तो मैंने ऐसे ही पीसे हैं और अब जो पीस रही हूँ उसमें मैं डाल रही हूँ साथ में पीसते समय हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। तो साथ ही पीस लूँगी इनको सबको और फिर बन जाएंगी गहत के डुबके। और डुबके ना खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत स्वाद लगते हैं खाने में। इसके लिए हमने जो ये गहत की दाल है ये 5 से 6 घंटे पहले भिगो करके रखी हुई थी और अब हम इसे पीस रहे हैं। तो इसका मैं फाइन पेस्ट तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा हल्का दरदरा रखूंगी जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मेरे डुबके पीस करके तैयार हो गए। तो देखिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे गहत के डुबके। और इसके लिए है मैंने एक लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में ही ये डुबके बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसमें मैंने रख लिया है 2 चम्मच घी, घी में बनाओ तो बहुत स्वाद आता है इसमें। तो बस अब घी गर्म होने पर हम इसमें लगाएंगे तड़का, और तड़का लगाएंगे हम हींग का, और इसमें जखे का तड़का भी लगाते हैं लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है जखे का तड़का, और बचेंगे तो शाम को वो भी खाएंगे। और अगर हमें खाना है तो हम जखे का तड़का ऊपर से अपने लिए लगा लेते हैं, उनके लिए निकाल लेते हैं। तो अभी मैं जखे का तड़का नहीं लगा रही हूँ, मैं बस हींग का लगा रही हूँ और फिर उसके बाद प्याज। देखिए मैंने डाला थोड़ा हींग और हींग मेरी, देखिए हींग मेरी हो गई है। अब मैं इसे डाल दूंगी प्याज। देखिए अब प्याज भी हो चुका है तो हम डाल देंगे इसमें अपने पीसे हुए गहत। मसाले डालेंगे पानी। पानी इसमें क्योंकि ये बहुत पकते हैं और फिर उसके बाद गाढ़े होते हैं तो इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा हम पहले ही डाल देंगे। ये नहीं कि ये थोड़े पके गाढ़े हुए फिर हमने इसमें पानी डाला और फिर गाढ़े हुए फिर हमने इसमें पानी डाला, नहीं ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में पानी नहीं डालना है, पानी आप अपने गहत की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें और एक बार में ही जितना पानी आपको चाहिए वो एक बार में ही डाल दें। बार बार डालने से डुबके का टेस्ट खराब हो सकता है। तो अब ये हमने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा पानी इसमें मैं और डालूंगी क्योंकि ये पकेंगे तो और गाढ़े होंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा पानी इसमें और डाल दिया, अब ये पानी मेरा काफ़ी है इसके लिए। तो अब मैं इसमें बचे हुए मसाले डालूंगी, लहसुन और हरी मिर्च तो हमने ऑलरेडी पहले से ही डाली हुई थी पीसते हुए। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक और धनिया पाउडर। तो देखिए हल्दी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा कम ही मात्रा में डालते हैं। और ये डाल दिया मैंने इसमें स्वादानुसार नमक, और ये डाली थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो बस अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो देखिए दोस्तों, डुबके तो पकने लग गए हैं और इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और अभी देखते देखते ये और डार्क होंगे, थोड़ा सा काले काले से हो जाते हैं पकते पकते। तो बस अब इनको तो मैं आंच कर देती हूँ सिम, गैस मैंने सिम कर दिया है और जब तक डुबके पकते हैं तब तक मैं चावल भी बना देती हूँ। देखिए दोस्तों, डुबके बन करके तैयार हो चुके हैं और अच्छा खासा कलर भी आ गया है इनमें और इधर चावल भी बन चुके हैं। तो चावल तो मैंने बंद भी कर दिए हैं, बस डुबके पक रहे हैं और अभी पक भी चुके हैं, थोड़ी देर और रखूंगी बस ये हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी देर और पकाने के बाद अब बस ऑलमोस्ट ये रेडी हैं। तो रेडी हो ही चुके हैं तो मैं अब गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर इनको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद हम अपना दिन का लंच कर लेंगे। तो दोस्तों, खाना वगैरह तो सब कुछ रेडी हो चुका है और अब हो गया टाइम बच्चों के स्कूल से आने का, तो मैं जाती हूँ और नीलाक्ष को स्कूल से लेकर के आती हूँ। आज तो 2-3 दिनों के बाद गया है स्कूल, तो देखते हैं कैसा लगा होगा उसको स्कूल में, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो देखिए दोस्तों, दिन का लंच तैयार है, लंच की थाली लग चुकी है, डुबके चावल सैलेड और एक हरी मिर्च के साथ कितना लाजवाब लग रहा है और मन कर रहा है कि इस टेस्टी खाने को जल्दी से खा लें। तो फिर बच्चे तो आ गए हैं स्कूल से और बस अब हम लोग भी अपना अपना खाना खा लेते हैं, सबकी प्लेटें लग चुकी हैं तो सबको खाना ही दे रहे हैं। और चलिए हम तो करते हैं लंच और आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा। कैसे हो रहे माई डुबके? अच्छे हैं, टेस्टी। इसका ना इसको भूख भी लगी थी, कह रही मम्मी खाना नहीं खाऊंगी, और क्योंकि मैंने सुबह भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी तो भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है बच्चों को, तो इसने रोटी खा ली होगी और जब इसने डुबके भात देखे ना तो फिर ये ललचा गई और अब ये खा रही डुबके भात। अभी तो नहीं खाने वाली थी, हैं? अब लग गया ना टेस्ट, और वाकई में डुबके ना बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो दोस्तों, बच्चों को तो डुबके बेहद पसंद आए, आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।